तो बच्चों आप लोगों को पता है कमिंग संडे 4 जून 2023 एक इम्पॉर्टेंट डे है, जेई एडवांस होने वाला है। आईआईटी कॉलेजेस ड्रीम कॉलेजेस होते हैं बहुत सारे लर्नर्स के, जैसे आप लोगों का भी है। तो इस साल भी अपीयर होने वाले बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो इस बात का भी वेट कर रहे होंगे कि किस तरह से हमें कोई एजुकेटर्स गाइड करे, हमें इस एग्ज़ाम में क्या करना है क्या नहीं करना है। इस बात को लेकर हम एक वीडियो शूट करने जा रहे हैं, तो मैं आपसे आकर फिर से मिलता हूं और आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। हेलो, आई एम रवि सुगंधी, योर केमिस्ट्री एडुकेटर एट अनअकैडमी इंदौर। ये 29th ईयर है मेरे लिए जब मैं जेई एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूं, बेस्ट विशेस दे रहा हूं कि वो एग्ज़ाम में किस तरह से परफॉर्म करेंगे। डूज एंड डोंट्स वाली बात होगी और इस वीडियो में मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो इसी तरह से एक लंबे एक्सपीरियंस के साथ होंगे आपके पास और आपको एडवाइस करेंगे कि क्या करना चाहिए इस एग्ज़ाम में, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और आप किस तरह से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो यदि मैं कहूं कि एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको चाहिए होगा गुरु मंत्र, तो यहां पर जो भी एजुकेटर्स आपके सामने आ रहे हैं वो आपको देने वाले हैं वो गुरु मंत्र, जिससे कि आप इस एग्ज़ाम को न सिर्फ क्रैक कर पाएंगे बल्कि एक बहुत अच्छे रैंक के साथ में आप अपनी पोजीशन बना पाएंगे। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि आप इस वीडियो को थ्रू आउट बहुत अच्छे से देखिए और सभी के जो इनपुट्स आपको मिल रहे हैं सभी एजुकेटर्स के, उसको बहुत सीरियसली इम्प्लीमेंट करिए अपने एग्जामिनेशन डे के लिए। एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। हेलो बच्चों, अब जेई एडवांस का एग्ज़ाम सामने आ चुका है जो आप जल्दी देने वाले हैं और मेरी तरफ से आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। एक बात याद रखें, जो तैयारी आपने पिछले 2 साल में करी है वो बहुत अच्छी तैयारी है, आपके कॉन्सेप्ट्स मजबूत हैं। हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, डू रिवाइज सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स वाइल यू गो टू गिव द एग्ज़ाम एंड एग्ज़ाम में बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें। एग्ज़ाम में ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, थोड़े घबरा जाते हैं, जल्दबाजी कर देते हैं, वो नहीं करना है। अपन को स्थिर रह करके एग्ज़ाम को देना है और अंत तक एग्ज़ाम को हमें छोड़ना नहीं है, मतलब सरेंडर नहीं करना है, ठीक है बेटा। तो रिमेंबर यू आर बॉर्न टू डू ग्रेट थिंग्स इन योर लाइफ एंड आई होप सो द सक्सेस विल बी योर्स, ऑल द बेस्ट। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि अभी जेई एडवांस की एग्ज़ाम आपकी होने वाली है, तो इसके लिए आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो गई होगी ना, ये हम लोग ऐसी आशा करते हैं। तो आप लोग, अब क्या करना है आपको इस समय पर, आपको रिलैक्स रहना है अभी। और जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे 4 तारीख को, तो आपको उसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि कूल रहना है, आपको काम रहना है और जितना आपको जो आपके सिंपल क्वेश्चंस हैं उसको आप पहले स्टडी करो और उसको एनालिसिस करके पहले उसको करने का अटेम्प्ट करो, है ना। तो अगर सिंपल क्वेश्चन अगर आप पहले कर लेते हो तो उससे आपका कॉन्फिडेंट बिल्ट होगा, फिर आप बाकी के क्वेश्चन पे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं उसके बाद जाके, और एकदम रिलैक्स हो के आपको ये सब चीज़ें करना है। और वैसे तो आपने जो मेहनत की है 2 साल की, अब उसको अच्छा, उसका अपने को आउटपुट लेने का समय आ गया है, तो आउटपुट भी अपना अच्छा आएगा क्योंकि अपन इनपुट अच्छे लगाए हैं, ठीक है ना बेटा। तो बस इतना मैं कहूँगा आपके लिए कि आपको ऑल द बेस्ट। हेलो लर्नर्स, आपने जो पिछले सालों में मेहनत की है उसे अब मंजिल तक पहुँचाने का समय आ चुका है। परीक्षा में बिल्कुल शांत रहें, धैर्य रखें और हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें, नेगेटिव मार्किंग से बहुत बचें। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो आपको एग्जाम में सफलता दे। मे गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट। चलो, ब्रैकेट एक्स और ये इंटीजर होगा तब ये चीज़ें ठीक होगी। तो डियर लर्नर्स, IIT JEE 2023 का पेपर 4th of June को है, जिसके लिए आप काफ़ी समय से तैयारी कर रहे थे, वो समय आ गया है। तो IIT JEE पेपर के दौरान हमारे 2 पेपर होंगे, उसमें हम एग्जामिनेशन टेम्परामेंट बनाते हुए कूल तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। पेपर किसी भी तरीके का हो, हमें टेम्परामेंट नहीं लूज करना है। इजी क्वेश्चन है उनको आप पहले करें, जो भी आपने माइंड मेकअप कर रखा है क्वेश्चन पेपर करने का वो आप अटेम्प्ट करें। और दोनों पेपर के दौरान, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दोनों पेपर के दौरान हम किसी भी तरह का डिस्कशन ना करें। डिस्कशन करने से डिस्ट्रैक्शन होता है और हमारा पॉसिबिलिटी है कि पेपर ख़राब होने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो इस चीज़ को हम ना करें, दोनों पेपर के बीच में कुछ भी डिस्कशन ना करें, तो इस तरह से पेपर आपका अच्छा रहेगा। सफलता भी उन्हीं लोगों को मिलती है जो मेहनत करते हैं, भिड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं और लड़ते रहते हैं। तो लेट्स क्रैक इट।
डियर लर्नर्स, पूरे साल की मेहनत के बाद अब परफॉर्मेंस का समय है, पर इससे पैनिक नहीं होना है। बस आप इस बात का ध्यान रखें कि पेपर अगर टफ आता है तो सभी के लिए टफ है ना। तो आप तो बस ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर किसी प्री माइंडसेट के साथ ना जाएं। वहाँ पर जैसा भी आएगा सामने पेपर, उसे आपको परफॉर्म करना है। और डेफिनेटली अगर साल भर आपने इतनी अच्छी मेहनत की है, इतना अच्छा परफॉर्म किया है, तो पेपर अच्छा ही जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। पॉजिटिव रखना है तो पॉजिटिव रखेंगे तो अपने उसकी भी डोमेन मिल जाएगी इनइक्वलिटी को सॉल्व करके। हेलो लर्नर्स, जेई एडवांस के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आप लोगों ने एक लंबा सफ़र तय कर लिया है और अब बस इस सफ़र के अंतिम कुछ पल, अंतिम कुछ कदम बचे हुए हैं और मुझे मालूम है कि वो भी आप अच्छे तरीके से पार कर लोगे। बस अब आपको घबराना नहीं, जो भी आपने तैयारी करी है वो अब अपने अंतिम स्टेज पर है। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि यह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। मुझे मालूम है कि आप लोग उसको फोड़ दोगे, तो जस्ट फोड़ना है, लेट्स क्रैक इट। हेलो जी एस्पिरेंट्स, सो यार द मोमेंट ऑफ ट्रुथ इज हियर। और आप लोगों को जिस चीज़ का वेट था 2 साल से 3 साल से, वो मोमेंट अब आ चुका है। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम हॉल में जाओ और पेपर को फोड़ दो, क्योंकि आप लोगों ने जितनी प्रिपरेशन करी है उस हिसाब से कुछ भी पेपर नहीं आने वाला यार। तुम लोगों को ये याद रखना है बस कि हम लोगों को मार्क्स नहीं, हम लोगों को रैंक पे ध्यान देना है। बाकी बच्चे जिस लेवल पे अटेम्प्ट कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उससे हमारा परफॉर्मेंस हमको ऑप्टिमाइज करना है। तो पेपर के अंदर सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की मत सोचना, जितने क्वेश्चन करो उतने एक्यूरेसी के साथ करना और अपना बीच बीच में ब्रेक लेते रहो। पूरा कूल एंड काम माइंड से जितना पेपर दोगे, नर्वस नहीं होगे, उतना अच्छा आपका पेपर जाएगा। तो इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड, लेट्स क्रैक इट। हेलो बच्चों, तुम लोगों का जो अथक प्रयास जिस परीक्षा के लिए कर रहे थे, अब उस परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। तो अपना स्ट्रेटजी को फाइन ट्यून कर लो, जो भी तुम्हारा रिवीजन प्लान है लास्ट मोमेंट के लिए उसको देख लो, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है उन्हें रिवाइज कर लो और कॉन्फिडेंस बना के रखो। घबराहट नहीं होना चाहिए, और अगर घबराहट थोड़ी बहुत है भी तो ये सोचो कि ये नेचुरल है, सबको ये चीज़ होती है। और कॉन्फिडेंस अपना बनाओ और डेफिनेटली ये सक्सेस तुम्हारी होगी। अपने माता पिता का आशीर्वाद लो और भगवान जो है तुम्हारी ये विश पूरी करेंगे। बस एक बार कॉन्फिडेंस से भिड़ जाओ, बेस्ट ऑफ लक। हेलो लर्नर्स, जेई एडवांस 2023 अब आपका बहुत ही नियर है, नियरेस्ट है। और उसमें देखिए, आपने जो सपने देखे हैं उसमें आगे के पूरे करियर के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है। तो जो आपने सपने देखे हैं, आपने तैयारी की है, उन सब तैयारी को अब आपको पेपर पे उतारने का, या हम कहें कि उसका जो रिज़ल्ट है उसका टाइम आ गया है। तो आपको बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देके आना है। कई बार एग्ज़ाम देते वक्त हम नर्वस होते हैं, नर्वस नहीं होना है, कूल रहना है, बहुत ध्यान से पेपर को करना है। तो उन सभी चीज़ों के लिए आपको ऑल द बेस्ट, और बहुत अच्छे से पेपर करिए, ऑल द बेस्ट, पूरा फोड़ दीजिए। प्यारे बच्चों, आप 1 साल 2 साल से जिस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक लंबी रेस लगा रहे थे, अब उस रेस की फिनिशिंग लाइन आ चुकी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस फिनिशिंग लाइन को बहुत ही शानदार तरीके से फिनिश करेंगे। आपके साथ आपके सपने तो हैं ही, आपके अपने माता पिता और आपके परिवार के भी सपने जुड़े हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि 4 जून को जब जेई एडवांस के पेपर के साथ आपकी फाइट होगी, उसमें जीत आपकी होगी। ठीक है, पूरे आत्मविश्वास से, और हम सब का आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, पूरे अनअकैडमी परिवार का आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, विजयी भव। हेलो बच्चों, जेई एडवांस 2023 इज नॉकिंग एट द डोर। हमने जो 2 साल हार्डवर्क किया है, उस हार्डवर्क को शो करने का टाइम आ गया है। तो हमें एग्जाम टाइम में जब एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो उसके समय हमें बिल्कुल कूल एंड काम रहना है। जो हमें क्वेश्चंस आते हैं पहले वो क्वेश्चंस करने हैं, ज़्यादा ट्राई करना है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं हो एंड एरर कम से कम हो। सो गिव योर बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम अकेडमी, लेट्स क्रैक इट। हेलो बच्चों,
दो साल की कठिन तपस्या का अंतिम परिणाम, अंतिम फल लेने का समय आ चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जेईई एडवांस 2023 की। आप लोगों की मेहनत जिसके दम पर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, और एक आखिरी सीढ़ी पार करना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी मेहनत और अन अकेडमी के मार्गदर्शन में इस सीढ़ी को बहुत ही आसानी से पार कर लेंगे। तो पूरे अन अकेडमी परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, आई होप दैट आपकी जेईई एडवांस की तैयारी ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी होगी, मगर वो सब बातें, वो सब सावधानियाँ जो आपको आपके टीचर्स ने क्लास में समझाई थी, आपके माइंड से बिल्कुल भी स्किप नहीं हुई होंगी। उनमें से एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको नेगेटिव मार्किंग में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करना है, नहीं करना है बस। एंड साथ ही साथ कौन सा क्वेश्चन पहले करना है और कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, इस बात का विशेष ख्याल रखना है आप सभी को। तो बस फिर आप हो जाएं रेडी 4th जून 2023 जेईई एडवांस एग्जाम क्रैक करने के लिए। लेट्स क्रैक इट, एंड ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों। तो फिर मिलते हैं आफ्टर एग्जाम। ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट। विश यू ऑल द बेस्ट, विजयी भव। ऑल द बेस्ट, पूरा फोड़ दीजिए। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट।